नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। देश भर में कोरोना की स्थिति बेकाबू होती जा रही है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कई कोरोना संक्रमित मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसी मुश्किल स्थिति में ऑक्सीजन ट्रक के चोरी होने से प्रशासन सदमे में आ गया है। ऐसा उस समय हुआ जब कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। जानकारी के मुताबिक पानीपत से गिरसा आ रहा ऑक्सीजन टैंकर रास्ते में ही गायब हो गया। ऑक्सीजन सप्लाई सिरसा की सुमित गैस एजेंसी से आ रही थी। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच ऑक्सीजन टैंकर के गायब होने से प्रशासन अलर्ट हो गया है। इस घटना के बाद अब ऑक्सीजन एजेंसी के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं इसको लेकर पानीपत में मुकदमा दर्ज हो गया है और मामले की जाँच भी शुरू हो गई है। पानीपत से सिरसा आ रहे ऑक्सीजन टैंकर से कोविड के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई होनी थी। परेशानी की बात यह है कि सिरसा में ऑक्सीजन का जब सिर्फ 24 घंटे का ही कोटा बचा है। एजेंसी चालक ने बताया कि प्रशासन के निर्देश पर केवल कोविड केंद्रों पर ही ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है और इसी बीच ऑक्सीजन का टैंकर चोरी हो गया। आगे के अपडेट पर रहेगी हमारी नज़र। आप देखते रहिए इन खबर इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।